हेलो बॉयज, वेलकम टू पुरातन सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ई क्लासेस। माई सेल्फ सुनील शर्मा। आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ वुड, सेल और शुड। इससे पहले हम कैन, कुड, मे, माइट और विल का यूज पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये वुड कहाँ लगाते हैं, सेल कहाँ लगाते हैं और शुड का यूज कहाँ करते हैं। अभी ये हमारे मॉडल वर्ब का ही थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है ये, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। वुड, वुड का यूज कहां करते हैं, तो फर्स्ट यूज देखें इसका, वुड यू गिव मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे। तो जब हम किसी से पूछते हैं क्या आप मुझे अपनी किताब देंगे, ये क्या है, यह है एक रिक्वेस्ट, विनम्रता है। हम जबरदस्ती किसी से किताब नहीं मांगते हैं। तो वुड का जैसे प्लीज पोलाइट का सेंस देता है, वैसे ही वुड भी हमें और कुड भी ये हमें पोलाइट का सेंस देते हैं, तो इसलिए हम वुड का यूज कर देते। तो फर्स्ट यूज है इसका विनम्रता के लिए। सेकेंड, एन ओल्ड बेगर वुड सिट अंडर दिस ट्री। एन ओल्ड बेगर, एक बूढ़ा भिखारी, वुड सिट बैठा करता था अंडर, नीचे, दिस ट्री, इस पेड़ के, इस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। तो ये क्या है, मतलब बैठा करता था, अब नहीं बैठता है, इसका मतलब ये घटना पास्ट में हुआ करती थी। तो जब कोई हैपनिंग इन द पास्ट, अतीत की कोई घटना है, पास्ट में घटी हुई घटना है, जब उसका हम यूज करते हैं तो भी हम उसमें वुड लगाते हैं। वैसे हालांकि इसका जो विकल्प है वो है यूज्ड टू, तो यूज्ड टू का हम इस्तेमाल कर चुके हैं पहले, इंटर में है ये, तो वुड की जगह यूज्ड टू आ जाए, लेकिन यहाँ वुड का यूज किया गया है। और ये कब आता है, जब पास्ट के किसी घटना को बताते हैं जो अब नहीं हो रही हो लेकिन पहले बड़े लंबे समय तक हुई हो। आई वुड गो देयर इफ यू अलाउ मी टू टेक वाटर। आई वुड गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, इफ यू अलाउ मी टू टेक वाटर, ये तुम मुझे अनुमति दो बटर खाने की, मक्खन खाने की अनुमति दो। ये क्या है, उसकी विलिंगनेस, इच्छा है, वो चाहता है कि यदि वो भाई ले चलो तो ठीक है, मेरी इच्छा है, मैं जा, अगर ले चलोगे तो मैं ये खाऊंगा। ये क्या है, वो अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो इसके द्वारा हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, वुड दैट आई वर ए किंग। वुड दैट, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। वुड दैट के द्वारा हम अपनी मन की कामना को प्रकट करते हैं, और ये कैसी होती है, अनफुलफिल्ड, अधूरी कामना। वुड दैट आई वर ए किंग, काश में एक राजा होता। मीन्स अभी राजा है नहीं लेकिन मन में कामना है। वुड दैट आई वर ए प्राइम मिनिस्टर। वुड दैट आई वर ए प्रेसिडेंट। वुड दैट आई वर ए डीएम। तो ये जब भी आता है तो वुड दैट का हम यूज करते हैं किसके लिए, अपने मन की कामना को पूरा करने के लिए, कामना प्रकट करते हैं तब। इफ ही हैड वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ट। जब हम किसी कंडीशन, किसी शर्त की बात करते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं, जो दूसरा वाला क्लोज होता है उसमें, तो वुड के साथ हैव लगा देते हैं, या वुड के साथ हम अन्य कोई चीज लगा देते हैं तो वुड हैव का यूज हम कर देते हैं। ठीक, तो कंडीशन जब भी होती है तब हम वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, ही सेड दैट हरी वुड नॉट गो देयर। उसने कहा कि हरी वहां नहीं जाएगा, तो हरी के बाद में ये वुड आई। वुड क्या है, बिल का पास्ट है, तो बिल का पास्ट होता है, उसके लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। तो वुड की यूज हो गए रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट में कोई घटना हुई उसके लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी कामना के लिए, शर्त प्रकट करने के लिए, बिल का पास्ट। नेक्स्ट है आपका सेल। सेल का यूज कहाँ करते हैं, सेल ये आता है आपका फ्यूचर टेंस के लिए, जैसे आई शैल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूंगा।
ही सेल हेल्प मी, ध्यान रखें ही के साथ सेल आया है, मीन्स इससे वायदा प्रकट हो रहा है, इससे दृढ़ संकल्प प्रकट हो रहा है, वह मेरी मदद जरूर करेगा। तो वायदा आता है तो भी हम ये ध्यान रखें, वायदा हो, धमकी हो, दबाव हो, अनिवार्यता हो, आई वी के साथ विल आएगा और से सभी के साथ सेल आएगा, इसका ध्यान रखना है हम सबको। द टीचर सेल पनिश यू, अब टीचर के साथ विल आना चाहिए था, यहाँ सेल आ गया, इसका मतलब है अब टीचर जरूर दंडित करेंगे, चाहे कुछ हो जाए मार जरूर लगेगी। तो ये क्या है, थ्रीट है, धमकी है। कई बार कहते हैं बेटा घर चलो, आज देखना पिताजी क्या करेंगे, आज तो पिताजी मरम्मत करेंगे ढंग से। तो ये क्या है, ये एक धमकी है, वार्निंग चेतावनी सी भी है। तो इसलिए हम यहाँ पर आई बी के साथ विल लगाएंगे और सभी के साथ सेल लगाएंगे। नेक्स्ट है ही सेल नॉट एब्यूज एनीबडी, यहाँ भी ही के साथ सेल आया है जबकि ही के साथ विल आना चाहिए। सेल आ गया है तो इसका मतलब क्या है, उसे किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, ये कैसा है, जरूरी है, उसे गाली नहीं देनी चाहिए, गलत है, प्रोहिबिशन है, निषेध है, बहुत गलत है, तो ये करना नहीं चाहिए उसे। तो हम सेल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, वायदे के लिए, धमकी के लिए और प्रोहिबिशन किसी निषेध चीज के लिए। तो ये हैं इसका यूज। अब शुड को देखें, शुड शुड सेल का पास्ट है, तो फर्स्ट तो यही है, ही सेड, उसने कहा दैट ही शुड कम हियर, को भैया जरूर आएगा। तो ये क्या है, सेल का पास्ट है, ये जो शुड आया ये सेल का पास्ट। नेक्स्ट है यू शुड वॉक नाउ, अब तुम्हें टहलना चाहिए, तो शुड का यूज किसके लिए किया गया, एडवाइस, सलाह देने के लिए। कई बार हम लोगों को सलाह देते हैं कि भाई मॉर्निंग वॉक करो, योगा करो, ये करो, वो करो, ये क्या है, हमारी एडवाइस है, तो एडवाइस के लिए भी हम यूज करते हैं शुड का। नेक्स्ट है आपका वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, ये एडवाइस भी है और हमारी ड्यूटी भी है, शुड ओबे, हमें आज्ञा माननी चाहिए, अवर एल्डर्स, अपने बड़ों की, ये क्या है, हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है। इसके साथ साथ ये एडवाइस भी है, तो ये दोनों में ही आ गया, एडवाइस में भी और ड्यूटी में भी, दोनों में चल रहा है। नेक्स्ट है वर्क हार्ड लीस्ट यू शुड फेल, ध्यान रखें कि जो हमारा सेंटेंस दो क्लोज में होता है, तो लीस्ट वाला जो सेंटेंस है एडवर्ब क्लोज है, ये लीस्ट वाले सेंटेंस में, लीस्ट वाले क्लोज में हम शुड का यूज करते हैं, सिंटेक्स में ये आ जाता है कभी कभी, और वहाँ शुड की जगह वुड रखते हैं, तो ये गलत है। यहाँ ध्यान रखें लिस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है, तो ये जो लिस्ट है लिस्ट के बाद शुड लगाते हैं। नेक्स्ट है शुड इट रेन, यदि वर्षा होगी वी सेल नॉट गो देयर, हम वहाँ नहीं जाएंगे, अगर वर्षा हुई तो मैं नहीं जाऊँगा, ये है कंडीशन, शर्त, जब शर्त आती है तब हम ऐसा कर देते हैं कि यदि वर्षा हुई तो मैं नहीं जाने वाला, चाहे कुछ हो जाए मैं तो घर पे ही रहूंगा। तो इस तरह से हम शुड का यूज करते हैं, कहाँ पर, सेल के पास्ट के रूप में, एडवाइस के रूप में, ड्यूटी के रूप में, या लिस्ट आ जाता है तो उस क्लोज में, लिस्ट वाले क्लोज में लिस्ट के बात करते हैं, और या फिर कोई उसमें कंडीशन दी हो, कोई शर्त प्रकट हो रही हो तो हम कर देते हैं। ये एक्सरसाइज है आपकी जिसे आपको सॉल्व करना है, और ये एक्सरसाइज कल वाली है, तो ये इसमें आप देख लें, इसे पढ़ लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करें, इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहें सभी लोग। आप सबको पता है कि हमारे जो आसपास का वातावरण है वो धीरे धीरे सामान्य होता चला जा रहा है, लेकिन इस समय हमें और अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बीमारी तेज़ी से फैल रही है, और जब तक हम सतर्क नहीं होते तब तक इससे बचाव नहीं कर सकते हैं। अब आपकी पढ़ाई है वो ऐसे ही जारी रहेगी, और कुछ टाइम बाद देखो क्लासेस बनाई जा रही हैं आगे, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाएं, अपने घर पर बोलें, तो इसके लिए आप ध्यान रखें।
और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते चलें। थैंक यू।